अच्छा तो बेटा अगर ऐसी बॉडी, ऐसे कॉन्फॉर्मर की बॉडी अगर वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में है तो वो क्या करती है, वो अपनी इंटरनल बॉडी स्टेट को बिल्कुल वैसा ही बना लेती है जिस वो इन्वायरमेंट में रह रही है। अगर वो फ्रेश वाटर में रह रही है तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की मिकदार कम है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये भी अपने अंदर क्या करेगी, सॉल्ट की मिकदार कम कर लेगी और वाटर की अमाउंट ज़्यादा कर लेगी। तो इस तरीके से इसके अंदर कोई नेट गेन या लॉस नहीं होगा। पानी बाहर जाएगा, पानी अंदर भी आएगा, सॉल्ट बाहर जाएगा, सॉल्ट अंदर भी आएगा, लेकिन इसके अंदर नेट गेन और लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेडियंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सॉल्ट जितना बाहर था सॉल्ट उतना ही अंदर है, वाटर जितना बाहर था वाटर उतना ही अंदर है। तो बेटा यहाँ पर ना तो मजमूई तौर पर वाटर बाहर जाएगा और ना ही मजमूई तौर पर सॉल्ट्स अंदर आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ वाटर या सॉल्ट्स नहीं हुआ। सो दिस इज़ नो नेट गेन और नो नेट लॉस ऑफ वाटर और नो नेट गेन ऑफ सॉल्ट और नो नेट गेन ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी बॉडी है जो कि हमने कहाँ पर रखी है, मैरीन वाटर में। तो अगर हम मैरीन वाटर में देखें तो मैरीन वाटर में भी उसने सेम प्रोसेस करना है। अगर मैरीन वाटर में वाटर कम है सॉल्ट ज़्यादा है तो ये बॉडी अपने अंदर भी वाटर कम और सॉल्ट ज़्यादा कर लेगी। अब देखें इसमें जितना वाटर अंदर है उतना ही वाटर बाहर है, सॉल्ट जितना अंदर था सॉल्ट, तो ये होगी आइसोटॉनिक। जब ये आइसोटॉनिक होगी तो यहाँ पर कोई ग्रेडियंट प्रोड्यूस नहीं है, फ़र्क नहीं ना आया, ग्रेडियंट फ़र्क कहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर भी बेटा कोई नेट गेन या लॉस नहीं होगा। हमारे पास ना तो ओवरऑल वाटर बाहर जाएगा, ना ही ओवरऑल वाटर अंदर आएगा, ना ही ओवरऑल वाटर सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स की। तो ऑस्मोरेगुलेटर्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन करते हैं। वो बिल्कुल ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की तरह नहीं होते। तो इनकी डेफिनेशन देखें, एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस डिफर noticeably the outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salts in hypertonic conditions. अब देखिए ये वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी फ्लूइड्स को, बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है उनके बाहर वाले इन्वायरमेंट्स। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन उनके बाहर वाले इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन से डिफरेंट है, यानी ये आइसोटॉनिक नहीं है। ये इनकी जो ऑस्मोटिक स्टेट है वो इनके इन्वायरमेंट से डिफरेंट होती है। अगर वो डिफरेंट है तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, वो या तो डिस्चार्ज करेंगे वाटर को या फिर वो क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे सॉल्ट्स को। अब इन चीज़ों को बेटा समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझ सकें। तो बेटा एक तरफ आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो है हाइपोटॉनिक। अब आपको याद होना चाहिए हाइपोटॉनिक की हमने करैक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी, इसमें वाटर ज़्यादा होता है सॉल्ट्स कम होते हैं। तो बेटा इन्वायरमेंट जो बाहर है वहाँ पर वाटर ज़्यादा है सॉल्ट्स कम। एक ऐसी बॉडी, एक ऑस्मोरेगुलेटर की बॉडी जो कहाँ पर है, हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट में। तो जब वो हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट में होती है तो हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, वाटर उसकी मुकाबले में ज़्यादा होता है और सॉल्ट्स उसकी बॉडी के मुकाबले में कम होते हैं। तो उसे क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, उसकी बॉडी में वाटर चूँकि बाहर है ज़्यादा है तो वाटर उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाता है और सॉल्ट्स उसकी बॉडी से रिमूव होने लगते हैं। अब इस ग्रेडियंट को फोकस करें, वाटर ज़्यादा वाटर कम, सॉल्ट ज़्यादा सॉल्ट कम, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो, तो वाटर अंदर और सॉल्ट्स बाहर। तो इसे क्या चीज़ जो है वो देखनी पड़ रही है, इसको फेस क्या करना पड़ रहा है बेटा, कि वाटर इसकी बॉडी में जा रहा है और सॉल्ट्स इसकी बॉडी से निकल रहे हैं। तो फ्लडिंग हो गई इसकी बॉडी में, तो वाटर अगर इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो बेटा ये इवेंचुअली बस्ट कर जाएगी। तो इसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इसको अपनी बॉडी के वाटर को रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपने बॉडी में से ज़्यादा वाटर जो अब जमा होता जा रहा है उसको रिमूव करेगी। अब वो चूँकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा तो उसके लिए इसे क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव डिस्चार्ज। तो ये रिमूव करेगी एक्टिवली वाटर को। तो बेटा यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई थी, एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट,
तो जब एक रेगुलेटर की बॉडी हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में रहती है तो वो कैसे रेगुलेट करती है, वो एक्टिवली डिस्चार्ज करती है वाटर को। अब दूसरी तरफ अगर किसी ऑस्मो रेगुलेटर की बॉडी एक हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में रह रही है तो हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वाटर कम होता है और सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। किसकी नस्बत? बॉडी की नस्बत। तो अगर वाटर